ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से कल का मैच जो है वो खेला गया, एक प्रैक्टिस मैच था कल जो खेला गया वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अब मेरा कहने का तात्पर्य ये है, और मैंने ये क्यों कहा कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ रीजन इतने सारे हैं ना कि उनको बताना बहुत मुश्किल है। कल जिस प्रकार से बैटिंग हुई, भले ही इंडिया ने 182 रन 5 विकेट खो के बनाए हों, लेकिन कल का प्रैक्टिस मैच था, हारना या जीतना ये कोई बहुत मायने नहीं रखता था, लेकिन इंडिया ने जीता, बहुत अच्छा लगा। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो जीत है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने की ज़रूरत थी। मैं जानता हूं कि वो जहां पर मैच खेला जाता है, जिस प्रकार से खेला जाता है, वहां की स्थिति और परिस्थिति बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं, लेकिन जो जिस काम में अच्छा होता है उनको वही काम बहुत अच्छा लगता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, कल बैटिंग के लिए जो है संजू सैमसन और अपने हिटमैन सर रोहित शर्मा जी उतरे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, 23 रन बनाए 19 बॉल खेलकर, दो चौके लगाए, एक छक्का लगाया, और हमारे संजू सैमसन भैया तो 6 बॉल खेलकर 1 रन पे ही पवेलियन लौट गए। ये चीज़ें जो है ना वो एक निगेटिव चीज़ें पिन करती हैं आने वाले मैचेस में, क्योंकि आप जो है वो खेल रहे थे बांग्लादेश के खिलाफ, आप कहाँ हैं और बांग्लादेश कहाँ है, आप में और उनमें बहुत डिफरेंस है। इस बार की टीम जो है वो आप कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस वाली टीम है, क्योंकि एवरेज निकाली जाए, सालों का एवरेज निकाला जाए तो करीबन 30 के ऊपर सभी हैं। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो 30 के कम के हैं, बाकी सब जो है वो 30 के ऊपर ही हैं। तो एक्सपीरियंस मैटर करता है, और आप बांग्लादेश के साथ कंपेयर नहीं कर सकते इंडिया को, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत ही अच्छी टीम है। लेकिन कल का प्रदर्शन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। ऋषभ पंत ने खेला, नो डाउट बहुत अच्छा खेला, ऋषभ पंत के लिए ताली होती है। सूर्य कुमार यादव ने भी अपना बेहतर देकर गए, और साथ में हार्दिक पांड्या ने भी बहुत अच्छा रन बनाया। हार्दिक पांड्या ने तो 23 बॉल खेलकर 40 रन बनाया, 2 चौके 4 छक्के लगाए, वो IPL में नहीं चले तो क्या हुआ, लेकिन अभी जो खेल है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। वहाँ पे सिर्फ पैसों से खरीदे जाते हैं प्लेयर, यहाँ पे पैसों से नहीं, यहाँ पर जो है हम इंडिया के लिए खेलते हैं और इंडिया के लिए देखते हैं। तो हार्दिक पांड्या ने कल खेला, भले ही वो अपने बॉलिंग में नहीं, 3 ओवर करके 30 रन दिया, 1 विकेट लिया, काफ़ी किफ़ायती, बहुत महंगे रहे कल हार्दिक पांड्या, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने बैटिंग अच्छी की, नो डाउट। ऋषभ पंत ने बहुत बढ़िया खेला यार, 32 गेंद पे 53 रन बनाया, 4 चौके 4 छक्के लगाए, मज़ा आ गया, गगनचुम्बी छक्के थे, देखने में बहुत अच्छा लगा। लेकिन हिटमैन सर आपको एक बार फिर से अपने पुराने रूप में आना पड़ेगा, अगर आपकी कप्तानी में ये वर्ल्ड कप लेकर आना है तो बहुत ज़रूरी है। संजू सैमसन IPL में बहुत मार रहे थे, मुझे लगा कल उनसे बहुत उम्मीदें थी कि वो काफ़ी अच्छा खेलेंगे, लेकिन कल 1 रन बना के जब आउट हुए ना तो बहुत बुरा लगा मुझे, क्योंकि उनको अगर मौका दिया गया है तो आप उस मौके पे खड़े उतरिए। यही होता रहा है पुराने कई समय से संजू सैमसन के साथ, तो आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। फिलहाल बात करें अगर शिवम दुबे की, तो कल वो 16 बॉल खेलकर 14 रन मात्र बना के चले गए। यार शिवम दुबे को आपको इस प्रकार से हम नहीं देखना चाहते हैं, आपको अपने रुतबे के हिसाब से देखना चाहते हैं, जैसा आपका कद है। कल आप आउट हो गए, लेकिन बॉलिंग अच्छी रही आपकी, नो डाउट, लेकिन आप एक बॉलर नहीं है, आपको हम एक बैट्समैन के रूप में देखते हैं, आप एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के रूप में आपको देखते हैं। तो प्लीज़ आने वाले मैचों में, ये तो प्रैक्टिस मैच था, लेकिन आने वाले मैचों में आप सभी से उम्मीदें हैं, आप सबसे बहुत उम्मीदें हैं कि रोहित हिटमैन सर की कप्तानी में एक वर्ल्ड कप ये हमारा आना चाहिए। फिलहाल आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।